भगवान बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के सामने कभी नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे कितनी घृणा करती हो, पर मैं तुमसे अभी भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम में माँ का रूप देखता हूँ और माँ तो प्रेम का रूप होती ही है, उससे हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे अपने कर्मों में ढालना चाहिए।